है जोर, मेरे दिल में उठी एक आग, मेरे कदमों में जले एक राख, इस पल में खुद को मिटाने चला मैं, दलदल में खुद को फंसाने चला मैं, मुझको देखो खुद में मगन, मेरी सोच मेरे दिल में जो भड़के अगन, बने जोश मुझे खुद पे यकीन नहीं होगा मेरा क्या क्या इन सांसों में मिलेगा रास्ता, सोचा था कि हाथों की लिखेंगे लकीरें, मुझे लगता है ख्वाब रहेंगे बस हाँ, हमको क्या मिलेगा कभी क्या रोजगार, बिन माँ के पले को क्या मिलेगा कभी प्यार, फुटपाथ पे जो पड़ा है वो भी है इंसान, इंसानियत का यहाँ है बहरान, हिस्सा हमी वही माँ भी हमी का, इसका है पाकिस्तान कमी, हम मरते हैं लड़ते हैं लड़के झगड़ते झगड़ते संभलते संभल के उभरते हैं, गिरते हैं उसी दलदल में जहाँ से हम निकले थे, उसी जंगल में जहाँ पे हम चले थे, हमें नहीं था पता कि हम कौन है, हम एक कौम है, करते हुए कहा कि मकामी तौर पर तैयार कर जाए बगैर पायलट विद्यार्थी तैयारों की पाक सजाया निकलेंगे सबके लिए इंतहाई फख्र और इत्मीनान का लम्हा है क्योंकि इससे पाक सजाया की गई सलाहियत में इजाफा होगा। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में पाक सजाया के बगैर पायलट विद्यार्थी तैयारों को इंतहाई जदीद असले से लैस किया जाएगा। उन्होंने सोतमाद का इजहार किया कि यूएवी स्क्वाड में शामिल होने वालों को इस पर फख्र होगा। अन्य पाकिस्तान और चीन के दरमियान जान है फाइव टू प्रोजेक्ट की खरीदारी के माहे पर अप्रैल 2006 में सफल हुआ। माहे देखे गए टेक्नोलॉजी पाकिस्तान चार एम बाई थ्री के जहाँ खरीदेगा जिनमें से तीन प्रोजेक्ट ढाई में और एक कराची से तैयार किया जाएगा। एम बाई थ्री प्रोजेक्ट जदि हथियारों और कैंसर से लिए प्रोजेक्ट पर एक बाकी हेलीकॉप्टर भी मौजूद और गहरी में एम बाई थ्री प्रोजेक्ट की शमूलियत से न सिर्फ बहरीत लोगों की सलाहियतों में इजाफा होगा बल्कि स्थानीय सतह पर जहाज तैयार करने की सलाहियत भी बढ़ेगी। एम बाई थ्री प्रोजेक्ट और जमीन की फिजा में मार करने वाले मोबाइल में जमीन है ये प्रोजेक्ट एंटी एयर कवर फराहम करने का मौसम तैयार है। गहरी जहाज में आपको सुविधा नहीं करने वाले अनाज की मदद से कई पास तक एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टॉरपीडो फायर किए जा सकते हैं। फ्रिगेट एक 22Z9EC हेलीकॉप्टर सिविल एस है जिनकी मदद से रात में भी ऑपरेशन मुमकिन है।